ये क्या बात हुई? हम ईद पे अपनी मर्जी की चीजें भी नहीं ले सकते? हम तो अपने घर में ऐसे हैं जैसे गुलाम हैं। हमें कुछ करने ही नहीं देते, जो मम्मी पापा कहेंगे हमें वही करना है। भला ये कैसी ईद है? ईद पे तो सब लोग आजाद होने चाहिए, खुद से बच्चे खिलौने लें, कपड़े लें और भी बहुत सारी चीजें लें। नहीं, इन्होंने जो कपड़े कहने हैं हमने वही लेने हैं, इन्होंने जो खिलौना कहना है इन्होंने हमें वही लेके देना है। ये क्या बात हुई? हाँ, आप दोनों सही कह रहे हो। कब तक ये चलेगा? तब तक जब तक हम बोलेंगे नहीं अपने हक के लिए, नहीं तो ऐसे ही फिसते रहेंगे। हाँ अपी, हमें अपने हक के लिए पापा से बात करनी होगी, और आप मामा से बात करना। मैं भी पापा से ही बात करूँगी। अगर मैं मामा से बात करती ना तो देना था एक कान के नीचे। हाँ, मैं भी मामा से नहीं पापा से बात करूँगी। अरे ये बातें तो बाद में होंगी जब वो फ्री हो जाएंगे। अभी इस ईद का क्या करना है, कुछ सोचा है? इस ईद पे तो हम बराबर एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हैं अपी, सच में? अरे बोल के तो बता रही है वो, सुना नहीं क्या? अरे अपी, ये ईद हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी ईद होनी चाहिए। बताओ क्या प्लान है? प्लान ये है कि हम अपनी मर्जी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी के खिलौने लेंगे, अपनी मर्जी के ड्रेसेस लेंगे, अपनी मर्जी की चीजें लेंगे। सच में आपी, मैं अपनी चीजें लूंगी, मामा मुझसे ईदी तो नहीं लेंगी? इसका मुझे पता नहीं, मगर जब मुझे पैसे मिलेंगे मुझे ईदी मिलेगी। अभी मिली नहीं है, मगर जब मिलेगी ना तो मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा ऐसी बात है, फिर इस ईद पे मैं भी ऐसे ही करूंगा। जब मुझे ईदी मिलेगी ना तो मैं भी किसी को नहीं दूंगा, खुद रखूंगा सारे पैसे। ठीक है, फिर मैं भी दूंगी किसी को अपने पैसे। हाँ हाँ, तो सुनो, अभी हम फर्स्ट डे की ईद का ड्रेस लेंगे, और दूसरे दिन का वो अभी मुझे नहीं पता, वो बाद में देखेंगे। ओके ओके। आपी वैसे एक बात है कि अगर हमने पापा के पूछे बगैर एक भी ड्रेस उठा लिया ना तो आपको इस बात का अंदाजा है कितनी डांट पड़नी है, इसका कुछ बताओ जरा। हाँ आपी, भाई सही कह रहा है। अगर आपकी मर्जी से हमने ड्रेस उठा लिया ना तो देखना पापा हमारा क्या हशर करेंगे। अरे जाहिलो, यही तो वक्त है अपने हक पे लड़ने का, अपने पसंद के ड्रेसेस लेने का, अपने पसंद की शॉपिंग करने का, अपनी पसंद के खिलौने लेने का। अरे देख क्या रहे हो, चलो अपने अपने पसंद के ड्रेस लेते हैं और खिलौने। चलो जैसा हमने प्लान किया वैसे ही करेंगे। आज ईद की शॉपिंग करने का मजा ही आ जाएगा। ये नहीं, ये तो मेरे पास है। और ये किचन सेट नहीं, नहीं ये भी मेरे पास है। और ये नहीं, मुझे तो नहीं पसंद। और ये वाला किचन सेट, ये भी नहीं मुझे पसंद। और ये भी नहीं मुझे पसंद। ये और ये किचन, और ये भी मुझे नहीं पसंद। और अरे ये कितनी प्यारी है, यही मैं लूंगी। इसमें तो एक गुड़िया होगी, और मैं ईद पे इसको ये वाला ड्रेस पहनाऊंगी, फिर ये बहुत कुछ करूंगी इसमें। ये एक प्यारा सा छोटू सा घर है, और ये बेड है, और ये पियानो है, और ये टेबल है, और इसके अंदर ये तो पता नहीं क्या है, इसे कवर अप, बहुत प्यारा है। अब बस मुझे ये चाहिए। मैं आप ही को जाके बताती हूँ कि मैंने ये लेना है ईद पे। कितनी प्यारी गाड़ी है, ब्लू कलर की। ये ऑफ रोडर, ये लैंड क्रूजर प्राडो, क्या गाड़ियां इधर। पर नहीं, इस सीट पे मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए। चलो आगे देखता हूँ। क्या मैं बैटमैन लू? नहीं 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 नहीं। सुपरमैन? नहीं। स्पाइडरमैन? नहीं। इस सीट पे मुझे कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट चाहिए। हल्क? नहीं, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी ईद होने वाली है, तो मैं क्यों ना कुछ बहुत डिफरेंट लूं। यहाँ पे कुछ मेरी मर्जी का नहीं है। अरे वाओ, एयरप्लेन! और ये गाड़ी, ये एक ऑफ रोडर है, वाओ, रैंगलर!
रिमोट से चलती है, मैं इसे ईद पे चलाऊंगा और सारे दोस्त कहेंगे अरे वाह वाह मूसा क्या गाड़ी है। पर नहीं, मुझे और कुछ डिफरेंट चाहिए। क्या लूं? गन्स? फायदा नहीं है, ईद पे कौन गन चलाता है। ट्रेन? अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पहले से चाहिए थी, ये तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल है। पर नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अरे वाह, टंबलिंग वॉरियर, ये भी रिमोट से चलती है और इसके अंदर टर्बो भी है। ये ब्लू कलर की, ये इसके अंदर टर्बो लगे हुए हैं और ये कितनी प्यारी लगती है। इसे उतार के देखता हूँ, ये तो बहुत भारी और बहुत ज्यादा बड़ी है। कितनी प्यारी है, यही चाहिए मुझे। ये देखो इसके कितने सारे टायर हैं, ये तो एकदम बैट मोबाइल की तरह है, जैसे बैटमैन की गाड़ी होती है। ये बहुत पावरफुल होगी, मेरे सारे दोस्त कहेंगे वाह मूसा यही लेता हूँ, बहुत प्यारी है ये तो। आप ही को बताता हूँ। अरे पूरा मॉल छान दिया, कोई ईद के ड्रेस ही नहीं है यहाँ पे। देखो ये अच्छा लग रहा है, ये हुआ ना फिर बात। आहा कितना प्यारा ब्लू कलर है, मेरे पास तो ब्लू कलर है भी नहीं, ईद पे पहनूंगी। ये रख लेती हूँ एक, और एक और रखना है। अरे वाह, ये अरे निकल जा, ये रेड कलर कितना प्यारा है। अरे वाह वाह वाह, बहुत प्यारी लगूंगी मैं। ऐसा करती हूँ, इस रेड और इस ब्लू का कॉम्बिनेशन रखती हूँ इस ईद पे। चलो मेरी तो शॉपिंग पूरी हुई, चलो 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 चलो। अरे भाई मैं तो तुम्हारी तरफ ही आने लगी थी। हाँ अभी मैं भी आपकी तरफ ही आ रहा था। हाँ मैं भी आपकी तरफ आने लगी थी। बताओ कर ली ईद की शॉपिंग अपनी मर्जी की, दिखाओ कहाँ है। अरे हाँ अभी मैंने सिलेक्शन भी कर ली और वहाँ पे खिलौने रख भी दिया, अभी मैं सीधा उसे कैश काउंटर पे लेके जाऊंगा, वो बहुत डिफरेंट खिलौने हैं। हाँ भाई मैंने भी ऐसा किया जैसा आपने किया, सीधा कैश काउंटर पे लेके जाऊंगी। चलाओ पापा को बताते हैं। क्या पापा को बताते हैं? वो पापा ये मेरे ड्रेस लिए और इन दोनों ने खिलौने। क्यों, क्या जरूरत पड़गी इन चीजों की हैं? ये तो ड्रेस और खिलौने आप लोग तब लोगे जब ये चीजें आपके पास ना हो। कपड़े भी ईद के नए लेके दिए, खिलौने भी आप लोगों को लेके दिए, ड्रेस भी आप लोगों को लेके दिए, दो दो बल्कि, फिर इन चीजों की क्यों जरूरत पड़ी इस बार? तो दो बकरे भी लिए कुर्बानी करने के लिए, बोलो फिर क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को ये फजूल खर्ची करने की? बेटा माँ बाप का एहसास करो, पैसे दरख्तों पे नहीं उगते, होश से काम लो, होश से, जोश से नहीं। बताओ मूसा आप लोगों को ड्रेस और खिलौने नहीं मिले? हाँ पापा मिले हैं, खिलौने भी मिले हैं और कपड़े भी मिले हैं। क्यों आपी, आपको नहीं मिले? जी पापा मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। क्यों जमजम बताओ? जी पापा मुझे भी मिले हैं। फिर क्या जरूरत पड़ गई ये सारी चीजें लेने की? वो पापा हम तीनों ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हम अपनी मर्जी की चीजें लेना चाहते हैं। क्या मर्जी, जब उस वक्त हम लेने गए थे तो तुम तीनों भी तो साथ थे ना, उस वक्त तो हाँ हाथ पे हाँ मिलाई जा रहे थे, जी पापा ये भी चाहिए, जी मामा ये भी चाहिए, जी मामा ये चाहिए। और अब दो दिन रह गए तो आप लोगों को ये एहसास हो गया कि वो हमें पसंद नहीं, पैसे दिए हमने कोई खैरात में या भिखारियों से कितना मांग के नहीं लाया हम, एहसास करना सीखो, जो ले लिए हैं उसी पे गुजारा करो। चलो ये रख के सीधा काउंटर पे आओ। आपे पापा ऐसी आवाज में बात कर रहे थे
जैसे हमने उनका दिल तोड़ दिया। उनकी आवाज में दुख और दर्द था। हाँ जमजम, आप ठीक कह रही हो, मैंने भी यही फील किया है कि उनका दिल टूट गया, हम गलत थे। आप क्या सोचती हो आपी? हाँ भाई, मुझे भी ऐसे ही लगा कि उनको दुख हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो ड्रेस बहुत चाहत से लेके दिए हैं, बहुत मोहब्बत और खुशी से लेकर दिए हैं। वो ड्रेस अगर हमने ना पहना तो उनका दिल टूट जाएगा। हाँ आपी, हम ईद पे वही ड्रेस पहनेंगे जो मम्मी पापा ने हमें लेके दिए, और उनका दिल खुश हो जाएगा। मैं भी वही ड्रेस पहनूंगी। और मैं भी ईद पे अपनी मम्मी पापा का पसंदीदा ड्रेस पहनूंगी। भाई और जमजम, उनकी खुशी में हमारी खुशी है, अगर वो खुश होंगे तो हमारी ईद खुशियों से भर जाएगी। हाँ अपी, और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। क्या बात की है, दिल खुश कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जब हमारे मामा पापा हमें कोई चीज शौक से लेके दे तो हमें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, जैसे कि आज हमने मानी और हमें बहुत खुशी हुई। और आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम में होंगे तो आप उन्हें तंग करोगे तो अल्लाह ताला भी नाराज हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। और हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। थोड़े से शरारती हैं, थोड़े से मासूम हैं।